मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग कंसो भजन छह दिसि मच मस्तानी। पची पतंग थियन गाढ़ा। दिसि मच मस्तानी। पची पतंग थियन गाढ़ा। आहिन से जाजर दा बिना मचना बियो घुरंदा। आहिन से रोए जाजर दा बिना मचना बियो घुरंदा। दिसी मचकी नसे मुड़ंदा। दिसी मचकी नसे मुड़ंदा। सडे आया सजा पाड़ा। ओ दिसी ही मच मस्तानी। पची पतंग थन गाड़ा। अग्न जिया इश्क ही आहे। पखिन दे बाझ जिया काहे। अग्न जिया इश्क ही आहे। पखिन दे बाज जिया काहे। हो बिना रत की न ब्यो खाए। बिना रत की न ब्यो खाए। पखी कुकट करन डाड़ा। ओटिसी ही मच मस्तानी। पची पतंग गथन गाड़ा। जल्या जे बिरह बाहिन सा। जलन से की नकी कख पन सा। जल्या जे बिरह बाहिन सा। जलन से की न कख पन सा। जल्या जे बिरह बाहिन सा। जलन से की न कखपन सा। जल्या जे बिरह बाहिन सा। जलन से की न कखपन सा। तुरे तिन खाक ही रन सा। तुरे तिन खाक ही रन सा। खोल्या जिन ख्याल जाताड़ा। दिसी ही मच मस्तानी। पची पतंग थन गाड़ा। कहे टेऊं से काहिन था। अनिल जी ख्याल लाहिन था। कहे टेऊं जे काहिन था। अनिल जी ख्याल लाहिन था। धरत से ओ धरन ते पग न पाइन था। धरन ते पग न पाइन था। तिनी जमजा अपना फाड़ा। ओटिसी ही मच मस्तानी। पची पतंग थन गाड़ा। पची पतंग थन गाड़ा। राग कंसो भजन छे दिसी ही मच मस्तानी। पची पतंग थियन गाढ़ा। ठीक
कंसो राग के इस भजन में श्री गुरुदेव जी विरही भक्त जनों की स्थिति का वर्णन करते हुए फरमा रहे हैं कि इस मच मस्तानी मच माना अग्नि विरह की प्रेम की अग्नि को देख करके जो साधक जिज्ञासु हैं वो परवाने के समान पतंग में जैसे परवाने जलते हैं उसी प्रकार से वो जल करके लाल हो गए। प्रभु परमात्मा के विरह की अग्नि में जल करके वो रंग में लाल रंग में रंग जाते हैं। आहन से रूई जा जरदा बिना मच ना बियो घोरंदा। जिस प्रकार से वो पतंग बिना अग्नि के और कुछ नहीं मांगते उसी प्रकार से वो साधक जिज्ञासु प्रेमी विरही वो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, प्रभु प्रेम की बातें चाहिए। संतों के संग में बैठ के उस प्रभु परमात्मा की चर्चा करने में उनका मन रम जाता है और शारीरिक अवस्था उनकी जो है वो बहुत ही निबल रहती है। शरीर का उन्हें ध्यान नहीं रहता, शरीर पीला पड़ जाता है तप करते करते। दिसी मच की नसे मुड़ंदा सदे आया सजा पाड़ा। उस अग्नि को देखकर जिस प्रकार से पतंग डरते नहीं उसी प्रकार से विरह अग्नि में जलने वाले वो सतपुरुष साधक वो भी कभी डरते नहीं, अपने साथियों को भी वो उस प्रभु के रंग में रंगने के लिए प्रेरित करते हैं। अग्न जी इश्क ही आए पखन दे बाज जी का है। जो ईश्वरीय प्रेम है वो अग्नि के समान है और ऐसे बाज के समान है जो पक्षियों के पीछे पड़ता है। जिस प्रकार से बाज पक्षियों का शिकार करने के लिए उनके पीछे दौड़ता है उसी प्रकार से ईश्वरीय प्रेम उन प्रेमियों को भी मारने का अर्थ है उनके कुप्रवृत्तियों को समाप्त करना। बाज के जैसे उनके ऊपर झपट के उनके मन से संसार की सब बातें भुला देता है। बिना रत की नब्यो खाए पखी कुकट करण सारा। तो जिस प्रकार से बाज पक्षियों का मांस खाता है रुधिर पीता है उसी प्रकार से प्रेम की अग्नि में जलकर उनका शरीर पीला पड़ जाता है, शरीर की भी शुद्ध बुद्ध उन्हें नहीं रहती और पक्षी रोई करण राड़ा। वो पक्षी रोते चिल्लाते हैं उस बाज को देख के। उसी प्रकार से जिज्ञासु उस ईश्वरीय प्रेम में मगन होकर विलाप करते हैं। जल्या जे विरह बाहन खा जलन से कीन कखपन सा। जिसको प्रेम की अग्नि जिनको लगी प्रेम की अग्नि में जो जल गए उनको संसार के विषयों की अग्नि से कोई मतलब नहीं, उस संसार के विषयों से उनका ध्यान हट गया। तुरे तन खाक हिरन सा खोलिया जिन ख्याल जा ताड़ा। जिन्होंने अपने अंतर की विवेक शक्ति को जगा दिया उनके शरीर की खाक वो भी हीरों से ज्यादा कीमती है, हीरों के जैसे तुलती है। कहे टेऊं जे काहिन था अनल जी ख्याल लाइन था। धरन ते पग न पायन था तनी जम जा पना फाड़ा। तो वो सच्चे प्रेमी सच्चे विरही उस ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे अनल पक्षी गगन में रह करके कभी धरती पे पांव नहीं रखता उसी प्रकार से संसार के विषय विकारों की तरफ उनका कभी ध्यान नहीं जाता। कहा विषय को भोग परम भोग एक और जाके हो तो संजोग नीरस लागत इंद्रपद। उस परम रस को उन्होंने प्राप्त कर लिया
अब विषयानंद और विषयों के रस से उनको कोई लेना देना नहीं और यमराज के सभी बंधन सभी लेखे उनके समाप्त हो जाते हैं। तो सच्चे प्रेमी जो उस ईश्वर के विरह में निरंतर व्याकुल हैं, उनके चिंतन में मगन रहते हैं, उनकी मनोदशा का वर्णन इस भजन में श्री गुरुदेव जी के द्वारा किया गया है। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी
महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषिणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।